मुंबई के माहिम इलाके की अल्ताफ मेंशन हादसे की वजह इमारत में इस्तेमाल किया गया खराब आरसीसी मटेरियल था। ये जानकारी मनपा के प्राथमिक रिपोर्ट में सामने आई है। 1984 में बनाई गई इस इमारत के निर्माण के वक्त मुंबई में सीमेंट्स की बड़ी कमी थी और इसे बनाने में सीमेंट का इस्तेमाल किया गया। 10 लोगों की मौत की जिम्मेदार बनी अल्ताफ मेंशन इमारत के गिरने की वजह इस इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर बने शोरूम की ओर से नियमों का उल्लंघन है, ऐसा आरोप यहां के लोगों की तरफ से लगाया जा रहा है। मनपा ने इस इमारत के गिरने के कारणों को ढूंढने के लिए एक कमेटी भी बनाई है, लेकिन मनपा की शुरुआती रिपोर्ट में सामने आई जानकारी के मुताबिक इस इमारत के निर्माण में इस्तेमाल किए गए खराब आरसीसी की वजह से ये इमारत ढह गई है। समय समय पर जो सीमेंट मिलकर बिल्डिंग बन सकती थी वो नहीं बन पाई, उसके लिए काफी 7-7, 8-8 साल लग गए और सीमेंट कम होने के कारण लोगों ने मिट्टी वगैरह का इस्तेमाल ज्यादा किया। इससे ये जाहिर है कि जब सीमेंट का शॉर्टेज था उस समय की काफी बिल्डिंगे ठीक ढंग से ठीक क्वालिटी की नहीं बनी है। बीएमसी के कानून के तहत जब बीएमसी किसी इमारत को परमिशन देती है तब उस इमारत की स्ट्रक्चरल क्वालिटी को जांच करने की कोई सुविधा है ही नहीं। कोई बीएमसी का इंजीनियर वहां जाके ये नहीं देखता कि जो बन रहा है वो मजबूत बन रहा है कि नहीं बन रहा है, वो ये जरूर देखता है कि जो प्लान पुटअप हुआ उस प्लान के मुताबिक ये बिल्डिंग बन रही है नहीं बन रही। हालांकि मनपा की ओर से अल्ताफ मेंशन के गिरने की वजह की रिपोर्ट 15 दिनों में पेश कर दी जाएगी, वहीं जर्जर इमारतों की समस्या पर मनपा और राज्य सरकार क्या हल निकालती है ये आने वाले दिनों में ही स्पष्ट होगा। कुणाल जाधव, सहारा समय, मुंबई।